नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। भारत देश में तो ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनकी सुंदरता हमें उनकी तरफ आकर्षित करती रहती है, लेकिन आज हम भारत नहीं बल्कि नेपाल के काठमांडू से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित मंदिर की बात कर रहे हैं। बता दें कि यह मंदिर नेपाल के शिवपुरी में स्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर यहाँ का सबसे भव्य, सुंदर और बड़ा मंदिर है। यहाँ मंदिर में विष्णु जी की सोती हुई प्रतिमा विराजित है। माना जाता है कि मंदिर में विराजमान इस मूर्ति की लंबाई लगभग 5 मीटर है और तालाब की लंबाई 13 मीटर है। ये तालाब ब्रह्मांडीय समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस मूर्ति को देखने पर इसकी भव्यता का एहसास होता है। तालाब में स्थित विष्णु जी की मूर्ति शेषनाग की कुंडली में विराजित है। शेषनाग के 11 फनों से विष्णु जी के शीश पर छत्र बना हुआ है। विष्णु जी के विग्रह का अलंकरण चांदी के किरीट एवं बाजूबंद से किया गया है। प्रतिमा के पैर विश्रामानंद की मुद्रा में जुड़े हुए हैं। इस प्रतिमा में विष्णु जी के 4 हाथ हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और एक हाथ में कमल पुष्प है। भगवान विष्णु के साथ साथ यहाँ पर भगवान शिव भी विराजमान है। जहाँ मंदिर में भगवान विष्णु प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में विराजमान हैं, तो वहीं भोलेनाथ पानी में अप्रत्यक्ष रूप से विराजित हैं। माना जाता है कि बूढ़ा नीलकंठ मंदिर का पानी गोसाई कुंड में उत्पन्न हुआ था। लोगों का मानना है कि अगस्त में होने वाले वार्षिक शिव उत्सव के दौरान झील के पानी के नीचे शिव की एक छवि देखने को मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र से विष निकला था, तो सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए शिवजी ने इस विष को अपने कंठ यानी गले में ले लिया था, जिस कारण उनका गला नीला हो गया था। इस कारण ही भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। जब जहर के कारण उनका गला जलने लगा, तो वे काठमांडू के उत्तर की सीमा की ओर गए और झील बनाने के लिए त्रिशूल से एक पहाड़ पर वार किया, जिससे एक झील बनी। कहते हैं इसी झील के पानी से उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। कलयुग में नेपाल की इस झील को गोसाई कुंड के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में देव उठनी एकादशी को मेला भरता है तथा श्रद्धालु भगवान विष्णु जी के जागरण का उत्साह पूर्वक आशीर्वाद लेकर उत्सव मनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए ज्ञान गंगा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो जैसे ही हम डालें, वैसे ही आपको उसकी जानकारी आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।